सब्सक्राइब करें एग्रोटेक इन रिव्यू चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रोटेक इन रिव्यू चैनल। मेरा नाम है लखन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके जो मैंने इस वीडियो में दी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पौधे को कितने प्रकार के सूक्ष्म तत्व चाहिए होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है उस पौधे के अंदर और क्यों वो जरूरी है, ये पूरी बातें हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीन ऐसे तत्व जो सबसे ज़्यादा जरूरी है जिनका नाम है NPK। तो सबसे पहला तत्व है नाइट्रोजन। मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्या, ताकि वीडियो शॉर्ट में बने और ज़्यादा अच्छे से आपको पता चले। तो पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, पौधे को विकास के लिए, पौधे मतलब जो बढ़ता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अमीनो एसिड और प्रोटीन एंजाइम्स को बनाने में मदद करता है। और तीसरा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बढ़ाने और बनाए रखने में भी मदद करता है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस का जो नाम है वो पी से शो होता है। ये जड़ों तथा शाखाओं को बनाने में विकासशील होता है। दूसरा, ये फूल तथा फलों को बनाने में भी मदद करता है। तीसरा, ये एनर्जी को स्टोर करता है। जब पौधा भोजन नहीं बना रहा होता है तब ये एनर्जी को स्टोर करता है। और जो सेल डिवीज़न होता है, मतलब पौधे के विकास में सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें पार्ट करता है। तीसरा है पोटास। पोटास को शो करते हैं K से। ये फलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण कराने में सबसे ज़्यादा सहायक यही होता है। और तीसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वातावरण में, जो हवा होती है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे उसमें से सेपरेट करने, मतलब उससे निकालने और उसको अपने शरीर में खींचने में मदद करता है। चौथा तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो सेल बनाने, मतलब सेल जो होती है स्मॉल सेल जिनसे पूरा पौधा बनता है, उन्हें बनाने में मदद करता है। शुरुआती जड़ जो होती हैं, जो सफ़ेद जड़ आपको दिखती है मोटी वाली, उसका पहला विकास कैल्शियम की मदद से ही होता है। मात्रा बहुत कम होती है लेकिन कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पत्तियों की संरचना को बनाए रखने में, ताकि पत्तियों का जो शेप है वो एक जैसा रहे, उसमें मदद करता है। पांचवा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात की जाए तो काफ़ी कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा, मतलब जो हरे रंग को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा मदद करता है मैग्नीशियम। दूसरा, जो तत्व को पचाने की क्षमता, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सबको रखने और उसे पचाने की क्षमता देता है मैग्नीशियम। और तीसरा, पौधों की संरचना को बनाए रखने, मतलब पौधे का साइज शेप को एक जैसा मेंटेन करके रखने में भी मैग्नीशियम पार्ट करता है। छठवां है सल्फर। सल्फर जो है वो अमीनो एसिड के पाचन तथा उनके उत्पाद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अमीनो एसिड एक पौधे की सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व है। अगर अमीनो एसिड नहीं है तो पौधा लगभग मर जाएगा। बगैर अमीनो एसिड के पौधा कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, विटामिन बनाने के लिए भी ये मदद करता है। जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं A, B, C, सबको बनाने में मदद करता है। और तीसरा, बीजों को बनाने तथा बीजों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा फायदा करता है। तिलहनी फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सातवां है जिंक। जिंक फास्फोरस और नाइट्रोजन को निकालने तथा उन्हें लेने में मदद करता है, मतलब उनकी मात्रा को मेंटेन करने में जिंक सबसे ज़्यादा पार्ट लेता है। पौधे की DNA संरचना को बनाए रखने में भी जिंक सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और तीसरा, फूलों तथा फलों के विकास के लिए, क्रमिक विकास जो होता है, धीरे धीरे बढ़ना या घटना वाली जो प्रोसेस होती है, उसमें जिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर जिंक के पौधा अधिक उत्पाद की क्षमता पर नहीं जा सकता, इसलिए जिंक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आठवां है बोरॉन। बोरॉन सेल विभाजन में सबसे ज़्यादा पार्ट लेता है, मतलब सेलों को बढ़ाने में, पौधे का साइज बढ़ाने में, ग्रोथ बढ़ाने में सबसे ज़्यादा फायदा देता है। दूसरा, फूलों की संख्या तथा फूलों को बढ़ाने में भी मदद करता है, इसलिए बोरॉन हमें फूल के समय छिटाना चाहिए। और तीसरा, साथ ही फलों के विकास, फलों के जो फूल से फल बनने की जो प्रोसेस होती है उसके विकास के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बोरॉन। अगर फिर बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के लिए। प्रकाश संश्लेषण जिससे खाना बनता है पौधे का, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉपर। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने तथा रोगों से लड़ने की है कॉपर। तीसरा, पौधों में सुधार तथा बीमारी से बचने के बाद उसे सुधारने के लिए भी मदद करता है कॉपर। दसवां है आयरन। आयरन को शो करते हैं Fe से। ये एंजाइम्स के उत्पाद के लिए, मतलब एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। दूसरा, विटामिन और प्रोटीन की उत्पादन में सबसे ज़्यादा मदद करता है आयरन। और तीसरा, जो पाचन तंत्र होता है उसकी क्षमता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने में हेल्प करता है आयरन।
ग्यारहवा जो है वो है मैग्नीज, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोसेस लेता है नाइट्रोजन को पचाने, नाइट्रोजन जो यूरिया आपके पौधे को दे रहे हैं उसे पचाने, तथा बीजों के निर्माण में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और जो गांठें होती है पौधे के अंदर, जो आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों में अजीब प्रकार की गांठें बन जाती हैं, तो ये गांठों को बनने से रोकने में भी सबसे ज़्यादा मदद करता है। मतलब जो ब्लॉकेज होता है, मतलब पौधों का जो ब्लॉकेज होता है उसे फ्लो बनाए रखने, उसे ब्लॉकेज को हटाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है मैग्नीज। बारहवीं बात करते हैं मॉलिबिडेनम की, तो मॉलिबिडेनम अमीनो एसिड को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। दूसरा, जो तत्व में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी ये सबसे ज़्यादा सहायक होता है। और तीसरा, जो पाचन तंत्र होता है उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो उसे सुधार करने में भी मॉलिबिडेनम उपयोग होता है। मॉलिबिडेनम की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है पौधे की, लेकिन ये जरूरी तत्व है। तेरहवा तत्व है निकल। निकल जो होता है वो यूरिया को बनाए रखने तथा यूरिया को पचाने, जो टॉक्सिक यूरिया होता है, जहरीला यूरिया होता है, उसे बाहर निकालने तथा उसे बनाए रखने में मदद करता है। और दूसरा, जो मेटाबॉलिज्म होता है पौधे का, उसे सुधारने तथा उसे एक जैसा बनाए रखने में भी मदद करता है। और तीसरा, जो पौधे के अंदर टॉक्सिक केमिकल आ जाते हैं उन्हें पौधे से बाहर करना तथा उससे उसकी बचाव करने में भी मदद करता है। और तो यही कुछ तत्व है जो हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं शॉर्ट नहीं बना पाया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।